वेलकम टू फूड गणेशा हिंदी। कच्चे केले की चिप्स वेफर्स बनाने के लिए यहाँ पे हमने कच्चे केले लिए हैं। केले के ऊपर हम मसाला डालेंगे, तो उसके लिए ये ब्लैक सॉल्ट, संचर ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। वेफर्स डालने के लिए एक बाउल तैयार रखेंगे जिसमें हम ये मसाला स्प्रेड करेंगे। ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। कच्चे केले को अच्छे से वॉश करने के बाद हम इस तरह से फर्स्ट लेयर, ये जो केला है कच्चा केला, तो उसके जो फर्स्ट लेयर है वो हम इस तरह से रिमूव करेंगे, यहाँ से नीचे से कट कर देंगे। नेक्स्ट जो स्किन है वो हम इस तरह से रिमूव करेंगे। ये जो ग्रीन पार्ट है वो कम्प्लीटली रिमूव होना चाहिए, इस तरह से दो बार इस तरह से रिमूव करेंगे। अब इस तरह से केले के छिलके निकालने के बाद तुरंत ही हमें इसकी चिप्स ऐड करनी है ऑयल में। हम इस तरह का बर्तन यूज करेंगे चिप्स डालने के लिए। गैस की फ्लेम हम थोड़ी स्लो करेंगे, तेल एकदम गर्म हो चुका है। अब ये जो बर्तन है उसको हम यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे, नीचे ऑयल है उससे थोड़ा ऊपर की साइड हम डिस्टेंस रखेंगे और तुरंत ही हमें इस तरह से चिप्स ऐड करनी है ऑयल में। थोड़ा स्लांटिंग रखेंगे केले को ताकि चिप्स थोड़ी बड़ी निकले, और एकदम प्रेस करके आपको चिप्स डालनी है जिससे केला जो है वो बहुत पतली चिप्स ना बने। आपको थोड़ा गर्म लगेगा लेकिन आपको ये जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्पीड में करनी है। तो एक केला कम्प्लीटली मैंने इसके अंदर डाल दिया है। चिप्स इंस्टेंटली डालने के बाद ये जो बर्तन है उसके ऊपर से हम ये ले लेंगे और साइड पे कर देंगे, और इसको हम इस तरह से उल्टा रखेंगे। अगर आप इस तरह से इसको रखोगे 2-3 मिनट, जब तक ये चिप्स फ्राई हो, अगर इस तरह से आप रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एकदम गर्म है तो इसका पानी में कन्वर्ट हो जाएगा ये जो स्टीम है वो, तो उससे नेक्स्ट जब आप प्रोसेस करोगे चिप्स की तो वो पानी ऑयल में पड़ेगा। इसीलिए हम इस तरह से इसको उल्टा ही रखेंगे यहाँ पे, ताकि ये कम्प्लीटली सूख जाए नेक्स्ट टाइम तक। जब भी आप चिप्स ऐड करो ऑयल में तो इंस्टेंटली तुरंत ही आपको इसको हिलाना नहीं है, उसको एज इट इज हम रखेंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट के बाद हम इस तरह से इसको फ्लिप करेंगे और गैस की फ्लेम हम थोड़ी हाई करेंगे, गैस थोड़ा हम फास्ट करेंगे ताकि फटाफट ये कुक हो। शुरुआत में स्लो रखना है जब भी आप चिप्स ऐड करो ताकि आपको जले ना। जब तक ये चिप्स कुक हो तब तक दूसरे केले के छिलके हम निकाल देंगे इस तरह से। एक साथ आपको सारे केले के छिलके नहीं निकालने हैं, नहीं तो वो फिर काले हो जाएंगे बाहर से। इस तरह से हमने फर्स्ट लेयर रिमूव कर दिया, सेकंड लेयर हम इस तरह से रिमूव करेंगे ताकि एकदम आसानी से सारे छिलके निकल जाए। तब तक चिप्स जो है वो भी अच्छे से क्रिस्पी कुक हो जाएगी। चिप्स जो है वो काली नहीं होनी चाहिए, बस इस तरह से थोड़ी थोड़ी लाल कलर हो जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा रेड कलर हो जाए, इसके बाद हम बाहर निकाल देंगे। वापस नेक्स्ट हम इस तरह से फटाफट केला जो है उसको हम इस तरह से स्लांट पोजीशन पे रखेंगे और इस तरह से चिप्स इसके अंदर डालते जाएंगे। इस तरह से चिप्स ऐड करने के बाद तुरंत ही हमें इसको हिलाना नहीं है, उसको एज इट इज 2 मिनट तक रखेंगे ताकि वो अच्छे से थोड़ा पक जाए। तो फर्स्ट राउंड की जो चिप्स है वो मैंने इस तरह से यहाँ पे बाउल में रखी है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी क्रिस्पी हुई है। तो उसमें हम थोड़ा मसाला डालेंगे, ये जो हमने मसाला बनाया है आप अपनी तरह से इसमें थोड़ा सा जो काली मिर्च पाउडर है वो आप ज़्यादा रख सकते हो, या तो फिर ब्लैक सॉल्ट भी आप थोड़ा ज़्यादा रख सकते हो। इस तरह से हम मिक्स करेंगे और फिर इसको हम और एक डिब्बे में ऐड करते जाएंगे। इसी तरह से सारी चिप्स हम बनाएंगे। इसी तरह से हम सारी वेफर्स बनाएंगे। थोड़ी थोड़ी वेफर्स को हम मसाला इसमें ऐड करते जाएंगे और फिर इसको मसाला ऐड करने के बाद इसमें
डालते जाएंगे। तो आप भी ये ज़रूर बनाना छोटे बच्चों के लिए, स्कूल में नाश्ता भेजने के लिए, या तो फिर घर पे उनको जब भी भूख लगे। तो घर की जो सारी चीज़ है वो बहुत ही अच्छी रहती है उन लोगों के लिए। हम बाहर से जो चिप्स लाते हैं उससे बेहतर हम घर पे ही बनाएं, और भले इसमें थोड़ी प्रोसेस ज़्यादा है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन हेल्दी है और सस्ता भी काफ़ी पड़ता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना।